किसानों के लिए पालतू पशु बहुत महत्व रखते हैं। एक तरफ जहां इनसे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे दूध, दही आदि की पूर्ति होती है, तो दूसरी ओर इन चीजों को बेचकर भी वो कुछ पैसा कमा सकते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी पशुओं के इलाज की सरकारी व्यवस्था की जा रही है। घर पर होगा पशुओं का इलाज। महाराष्ट्र सरकार ने इंडसइंड बैंक की कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत कंपनी किसानों के पशुओं के इलाज की सुविधा घर पर ही उपलब्ध करवाएगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। क्या है महापशुधन संजीवनी योजना? महाराष्ट्र के 31 जिलों में स्थित 81 तालुकाओं में पशुओं की संख्या लगभग 1.96 करोड़ है। कंपनी इन सभी पशुओं का घर बैठे इलाज करवाएगी। इसके लिए BFIL के जरिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बीमार पशुओं का इलाज, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और उनकी देखभाल संबंधी सभी जानकारियां किसानों को दी जाएंगी। टोल फ्री नंबर से मिलेगी हेल्प। पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए किसानों को टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करना होगा। फोन की यह सुविधा जनवरी 2021 से शुरू कर दी जाएगी। फोन पर ही किसान पशुओं की बीमारी बता सकेंगे और उसी आधार पर पशुओं का इलाज किया जा सकेगा। पशुओं के लिए होगी एम्बुलेंस सेवा। यही नहीं, महाराष्ट्र के हर इलाके में एक एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ और दवाइयां 24 घंटे सातों दिन मौजूद रहेंगे। पशुओं को संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण भी किया जाएगा। पशुओं की अच्छी खुराक और हेल्थ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल किसान ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कृषि संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।